अब बात हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, बल्कि हम सब उम्मीद से हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिबदारी से काम ले रहे हैं, उनके ख्यालात का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदा मरवा अंसर चौधरी से गुफ्तगू करते हुए किया। जी मरवा, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली में, अपोजिशन चैम्बर में मौजूद हूँ। हमजा शहबाज शरीफ से जानते हैं क्या कहेंगे आज के हवाले से, और ख़ास तौर पर बदमजगी का एक वाकया भी देखने में आया। आप अगर वीडियो फुटेज उठा के देखें, सुबह जब हम ये सेनेट इलेक्शन के लिए आ रहे थे, मेरे साथ लोग थे जिन्होंने असम्बली का इलेक्शन लड़के वो जीते हैं, MPs हैं, उनको रोक दिया गया। तो ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी हिदायत पर ये काम हुआ और आप भी यहाँ पे होती हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमारे 6 अरकान को मुअत्तल किया, एक तरफा फैसला किया, अपना कोई कमेटी बनी, अंदर हमने आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि हमने आपकी खवातीन का डांस देखा। ये जो एक माहौल है पंजाब असम्बली का, जब से हमने हल्क उठाया है, बेहतरीन अपना जो है ना वो एक जानबदारी का सबूत दिया जा रहा है। अंदर पोलिंग चल रही है, इस अमल से आप मुतमईन हैं और कितने पुरउम्मीद हैं? मैंने तो कहा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम सब उम्मीद से हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम अपना जो है ना वो हदफ पूरा कर देंगे। इन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली पर जो है वो जानबदारी का इल्ज़ाम आयद किया है। इनका ये कहना है कि जो आज हमारे साथ सलूक हो रहा है उस पर मीडिया जो है वो नज़र सानी करे और देखे कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं।